Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी आंखों में चश्मे का नंबर है और आप इस चश्मे से निजात पाना चाहते हैं तो आज की डेट में कौन से पांच तरह के ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए। तो एक एक करके सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेस। कॉन्टैक्ट लेंसेस क्या चीज है? एक पतला सा लेंस है जो आपकी आंखों पे फिट हो जाता है और जैसे उस आंख पे आप चिपका देते हैं आपके चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस की प्रॉब्लम यह है कि कॉन्टैक्ट लेंस एक टेम्पररी सोल्यूशन है, इसको रोज सुबह लगाना है और रात को हटाना है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ आप सो नहीं सकते और कॉन्टैक्ट लेंस में बहुत हाई रिस्क रहता है आंख में इन्फेक्शन होने का। और ये इन्फेक्शन ऐसी नहीं है कि छोटी मोटी इन्फेक्शन होगी दवाइयों से ठीक हो जाए, बहुत मेजर इन्फेक्शंस हो सकती है जो अक्सर आंख की नज़र भी खराब कर देती है। कॉमनली इन्फेक्शन जो आंखों में मिलती है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड केराटाइटिस या कॉन्टैक्ट लेंस अल्सर। बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही डेंजरस इफेक्ट है, इसीलिए आप देखेंगे मेजॉरिटी आई डॉक्टर्स कॉन्टैक्ट लेंस को सजेस्ट नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो हमारी सजेशन होती है कि आप डेली कॉन्टैक्ट लेंस यूज करें जिनको सुबह खोलना है लगा लिया और रात को फेंक दिया, डेली डिस्पोजेबल वाले। और वो भी अगर यूज करना है तो ऐसा नहीं कि रोज पहनिए, हफ्ते में एक बार या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ तब पहन लिया। डेली यूज के लिए कॉन्टैक्ट लेंस कोई भी आई डॉक्टर आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। सो कॉन्टैक्ट लेंस एक ऑप्शन है, पॉपुलर ऑप्शन है, लेकिन टेम्पररी ऑप्शन है और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो है यह सबसे एक्साइटिंग ऑप्शन है, बहुत पॉपुलर ऑप्शन है, पूरे वर्ल्ड ओवर इसको यूज करा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है। और यह ऑप्शन होता है लेजर से चश्मा हटाने का ऑप्शन। तो लेजर की तकनीकें पिछले 25 सालों से अवेलेबल हैं, 25 सालों में बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। आजकल की लेजर टेक्नोलॉजीज जो है, जो लेजर चश्मा हटाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम कंट्यूरा विजन कहते हैं, वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई टांका नहीं लगता, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। आज करा कल से दिखना शुरू, एक दिन के बाद अपने काम पे भी लग सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन है, एक बारी हो गया तो पूरी लाइफ के लिए हो गया। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट कंप्लाइंस बहुत हाई है क्योंकि इसका रिकवरी फेज बहुत लंबा नहीं है, 3-4 दिन में पेशेंट फिट हो जाता है अपने काम करने के लिए। और सिंपल प्रोसीजर है, कोई इसमें सर्जरी की तरह काट पीट नहीं होती, चीर फाड़ नहीं होती, सिर्फ लेजर लाइट से ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो लेजर सर्जरी आज की डेट में सबसे पॉपुलर ऑप्शन है अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता। जैसे अगर आपके चश्मे का नंबर हाई है, -8 से ऊपर है चश्मे का नंबर, या आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या आंखों में केराटोकोनस की प्रॉब्लम है, या पुतली की जो मोटाई है वो कम है, लेजर से आपका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं ICL। ICL क्या चीज है? बेसिकली ICL एक लेंस है। इस लेंस में आपके चश्मे की पावर होती है और इस लेंस को आंख के अंदर डाल दिया जाता है। यह भी उतना ही सेफ और इफेक्टिव है जितनी लेजर सर्जरी है। आज की डेट में हम ICL और लेजर सर्जरी को बिल्कुल बराबर मानते हैं, किसी के लिए लेजर बेटर है, किसी के लिए ICL बेटर है। ICL भी आपको वही क्वालिटी देता है, वही कंफर्ट देता है, उतनी ही फास्ट रिकवरी देता है। आज ऑपरेशन हुआ, करीब 5 मिनट का ऑपरेशन है, अगले दिन से आपकी नजर आ गई, 2-3 दिन का रेस्ट हो गया और फिर आप अपने काम पे निकल सकते हैं।
तो थर्ड ऑप्शन जो होता है चश्मा हटाने का वो होता है आईसीएल का ऑप्शन। लेकिन फिर भी कई सारे पेशेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें आईसीएल से भी चश्मा नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे पेशेंट जिसमें लेजर से चश्मा नहीं हटाया जा सकता, आईसीएल से चश्मा नहीं हटाया जा सकता, ऐसे पेशेंट्स में हम आरएलई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आरएलई का फुल फॉर्म है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है, इस नेचुरल लेंस को हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डालते हैं जिसमें नेचुरल लेंस की भी पावर है और आपके चश्मे की भी पावर है, दोनों की पावर एक ही लेंस में आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि आरएलई ऑपरेशन मेनली आपको दूर और बीच की विजन क्लियर देता है। तो मान लीजिए किसी के चश्मे का नंबर -20 है और पेशेंट ने आरएलई करा लिया, तो पेशेंट की दूर की नजर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, बीच की नजर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन नजदीक के लिए पेशेंट को चश्मा यूज करना पड़ता है। तो आरएलई की प्रॉब्लम यह है कि चश्मा 95% टाइम नहीं पहनना, चश्मे को 24 घंटे नहीं पहनना। सपोज आप घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, तब आपको चश्मा नहीं पहनना। लेकिन जब भी आपको रीडिंग का काम या राइटिंग का काम या कोई नजदीक का काम करना है तब आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो लेजर और आईसीएल जो टेक्नोलॉजीज हैं वो दूर और पास दोनों का चश्मा हटाती है, लेकिन आरएलई टेक्नोलॉजी सिर्फ दूर का हटा पाती है, पास के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। फिर भी हमें कई ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो आरएलई में भी नहीं हो सकता, आईसीएल भी नहीं हो सकता, लेजर भी नहीं हो सकता। कई स्पेशल तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम फिफ्थ टाइप की सर्जरी यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंटैक्स। इंटैक्स क्या होते हैं? बेसिकली रिंग्स होती हैं, एक स्पेशल मटेरियल एक्रेलिक की रिंग्स होती है जिनको आंख की पुतली में डाल दिया जाता है। तो आंख की जो पुतली होती है इसमें हम दो रिंग्स डाल देते हैं और पेशेंट के चश्मे का नंबर कुछ हद तक कम कर देते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन इंटैक्स से पूरा नंबर नहीं हटता। तो इसीलिए इंटैक्स एक तरह से बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा तो एक बारी को इंटैक्स का सलूशन होता है जहां पे हम पेशेंट को थोड़ा कंफर्टेबल कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी कई पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनका चश्मा हट ही नहीं सकता, कोई भी टेक्नोलॉजी उनके लिए फिट नहीं बैठ रही। तो ऐसे पेशेंट्स को चश्मा पहनना जरूरी है। इसलिए अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना चश्मा मत हटवाओ, चश्मा पहनना आपके लिए बेटर है, तो आपको अपनी डॉक्टर की एडवाइस सुननी चाहिए। अननेसेसरी एक्सपेरिमेंटेशन से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी फिट नहीं बैठ रही, तो बेटर है पूरी लाइफ चश्मा पहन के निकाला जाए। हो सकता है आगे कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आपको बेनिफिट हो सके, शायद आज की डेट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो आपको अपने डॉक्टर की सजेशन लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल एक ब्रीफ मिला होगा कि चश्मा हटाने की सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी नहीं है। सबको लगता है कि चश्मा सिर्फ लेजर से हट सकता है, चश्मा हटाने की लेजर टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, आईसीएल टेक्नोलॉजी भी है, आरएलई भी है, इंटैक्स भी है, कॉन्टैक्स भी है, और अल्टीमेटली ये आपका आई डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी। तब तक के लिए आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।